नहीं खाते हैं, खा लिए है? थोड़ा सा खाया है, थोड़ा सा। वो तो पकड़ने के लिए आए बेटा, बंदूक है वो, बंदूक तो नकली है। ए रसर ले आइए, पानी है इनको पहले, है का पानी है इनको पहले, जेल ले चलो। ऐसे नहीं खाएगा ना खाना, खाना उन्हें खाएगा ना, पहले पहले पानी है रसर हमेशा खाएंगे आप ना। रोता है, बहुत रोता है, नहीं खाता, बहुत रोता है। कल सुबह नहीं खाएगा तो आपको फोन कर देगा, आज ही आइएगा। ज्यादा रोते हैं, वॉमिटिंग नहीं करता, कंप्लेंट दर्ज हो गया, कंप्लेंट दर्ज हो गया। मामा मेरे को मारती है, आप नहीं मारेंगे ठीक है। ये वॉमिटिंग नहीं करता, वॉमिटिंग बदमाशी हम नहीं ना करेंगे, नहीं लेते चलो, इनको लेते चलो, नहीं जाने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, बदमाशी नहीं ना करिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मोमो ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह का 9 बज रहा है, अभी तक हम लोग सोए हुए हैं और ट्रेन उठने का मन भी नहीं करता, और बाबू भी सो रहा है अभी भी। थोड़ी बाद उठेंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, और अभी टाइम है हम लोगों दिल्ली पहुंचने में, आपका टाइमिंग 1:40 में है, 1:40 में पहुँचाएगा ट्रेन दिल्ली। उसके बाद वहाँ से आपका रात को 8 बजे ही रचा जी कटरा का, 8 बजे कटरा का ट्रेन है, फिर वहाँ से हम लोग कटरा जाएंगे, फिर वो कल सुबह, मतलब हम लोग का 3 दिन का जर्नी ट्रेन में ही हो गया है। बट इतना बड़ा ग्रुप है 15-16 जन का, अच्छा लगता है। क्या दे चाय का नाम मत लेना नीतू, एकदम मजा नहीं आ रहा यार। हम लोग नीतू चाय का नाम एकदम मत लेना, चाय का। हाँ अब मोटा चाय का तो नाम लेना मत, अब मेरे को फिर चाय नहीं मिलेगा, लोदर लग जाएगा फिर, एकदम मेरे ऊपर टिश्यू जा रहे हैं। ये सुनिए ना, ब्रेकफास्ट क्या करेंगे, ब्रेकफास्ट क्या करेंगे भाग्य शर्मा, एक बजे तक कुछ नहीं खाएंगे। हाँ 1 बजे कुछ भी नहीं खाएंगे, 1 बजे नाश्ता तो उन लोगों का चल रहा है, देखो ना मस्ती में, हेल्दी हेल्दी नाश्ता, ओह हेल्दी नाश्ता। बहु लोग तो खा लेती है और सास लोग डाइट पे है ना, डाइट पे है बोले, बहु लोग डाइट पे नहीं है, सात लोग डाइट पे है, सुबह सुबह खीरा वगैरह खा रहे हैं आप लोग, खीरा सेव, हाँ सब पता चल रहा है सब। गुड मॉर्निंग बेटा, बाबू से गुड मॉर्निंग, से बेटा मेरा बच्चा, बोल दो गुड मॉर्निंग, बोल दे मम्मा मैं उठ गया, मम्मा मैं उठ गया बेटा, ट्रेन में सो के। बाबू क्या बोले सोना बेटा, ट्रेन में सो के कैसा लगा, मॉर्निंग कान है, गुड मॉर्निंग राधे राधे लल्ला, नहीं बनेगा वीडियो, वीडियो में तो नहीं है, हां एक बार टानो जोर से, नहीं वो जोर से नहीं टानने चाहते जी, जोर से टानना पड़ेगा,
वीडियो बनाएगी क्या? मैं घूमा डालिया ले और से कीजिए। नहीं हुआ, नहीं हुआ। बनाएंगे तो ऑन है। जल्दी फूंक दे, आस्ते आस्ते छोड़िए ना, आस्ते आस्ते धीरे धीरे छोड़िए, धीरे धीरे गाइस हम लोग उधर दिल्ली पहुंच गए और देखिए हुलिया कितना बिगड़ गया है हम लोग का, पूरा हेयर वगैरह सब खराब हो गया है और फेस भी बहुत खराब आ रहा है एकदम। आधा घंटा यहाँ पे कल्चर बोल्ट है, उसके बाद हम लोग सबको लंच करेंगे यहाँ पे, लंच करके 8 बजे से फिर हम लोग ट्रेन में चढ़ जाएंगे कटरा के लिए। कटरा से फिर हम लोग नेक्स्ट डे, वो तो मैं बताई आप लोगों को थोड़ा देर पहले ही कि कटरा से फिर 8 बजे से ट्रेन है हम लोग का। और यहाँ पे देखिए बाबू कितना बात कर रहे हैं, उदासी कर रहा है बाबू। तो दिल्ली उतर के स्टेशन पे फिर हम लोग कहाँ क्या करते हैं वो आप लोगों को वहाँ जाके मैं मिलती हूँ। हम लोग पहुँच गए ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे। अब यहाँ पे हम लोग तो टाइम पे पहुँच गए थे, बट शाम का जो कटरा का ट्रेन है वो तो बहुत काफ़ी लेट है, तो हम लोग पहले लंच वगैरह कर लेंगे कोई अच्छा सा वेज रेस्टोरेंट देख के, उसके बाद जिसको जहाँ घूमना है वो घूमेगा और जिसको नहीं घूमने का मन वो वेटिंग रूम में वेट करेगा। तो अब देखिए आगे क्या प्लानिंग होता है। ऐसे तो अभी हम लोग लगेज वगैरह सब उतार लिए हैं ट्रेन से, अब लगेज लोड करके देखिए यहाँ पे लोड हो चुका है लगेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज था और सबको मतलब कैरी करना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इसीलिए। तो हम लोग आगे से गाड़ी लेके न्यू दिल्ली स्टेशन पे जाएंगे, बिकॉज़ न्यू दिल्ली स्टेशन पे ही आपका कटरा का ट्रेन आएगा, वहाँ से हम लोग कटरा का ट्रेन के लिए लगेज वगैरह वहाँ रख देंगे। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चल के टोटो और ऑटो लेने के लिए, वहाँ से ही निकलेंगे न्यू दिल्ली स्टेशन। और मैं तो कुछ लगेज कैरी नहीं कर रही हूँ बिकॉज बाबू को ली हूँ। देखिए अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, नई दिल्ली स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, सॉरी हम आपको क्या बोले कि आपको गलत बोल दिए पहले, हम लोग ओल्ड ओल्ड गाड़ी में स्पेस नहीं था तो मैं गोद में बैठ गई। लॉक रूम के पास उतारिएगा एकदम सामने की तरफ। अब हम लोग पहुंच गए पुरानी दिल्ली। अब देखिए हमें बेटी भी लगेज कैरी कर रही है, अब थोड़ा बड़ी हो रही है, उसको मतलब शौक होता है थोड़ा लगेज वगैरह कैरी करने का। और देखिए बाबू यहाँ पे बदमाशी कर रहा था बहुत, और सब कोई मतलब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर रहा था कि कौन कहाँ पे है, और मेरा फेस भी एकदम डल हो गया है। अब ट्रेन में नॉन स्टॉप 2 दिन रहने से कैसा हो जाता है एकदम, और सबको इधर उधर गया हुआ है, अभी सब कोई आया नहीं, कोई वॉशरूम वगैरह गया हुआ है, अब 2 दिन ट्रेन में रह के। और फिर हम लोग मतलब चाय तो नहीं पीते हैं ना चीनी का, तो फिर मैं और देवरानी बाहर निकल के गए थे दिल्ली में, और फर्स्ट टाइम था तो ऐसे ही अब पूछ के गए, बहुत दूर तक गए हम लोग ऑटो से जैगरी पाउडर ढूंढने, तो जो हम लोग जैगरी पाउडर यूज़ करते तो मिला नहीं, तो जो भी मिला वहाँ का लोकल कंपनी से जो भी था वो ले गया, बट वो उतना टेस्ट अच्छा नहीं लगा। आ इतना मेहनत से ढूंढ के लाए, और देखिए दोनों बच्चा इनके पास है बिकॉज हम लोग जाने का तैयारी में है अभी, और बाबू को तो ऐसे अकेले छोड़ नहीं सकते, बहुत बदमाशी करता है, मतलब छोड़ने से हाथ भगा के दौड़ने लग जाता है इधर उधर। और बेटी को कुछ खाना पीना था वही दिखा रही थी, पापा को देखिए वो मेरे को चाहिए, और बाबू कोई भी मतलब मिलिट्री फोर्स को देख लेता है तो बोलते पुलिस पुलिस पुलिस, उसको मतलब बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग स्टार्टिंग मतलब ब्लॉग जब स्टार्ट होता है तो आप लोग देखे ही होंगे कैसे वो पुलिस से बात कर रहा था। और हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं वॉशरूम जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे जैगरी पाउडर लेने, तो वो चाय पी उसको उतना अच्छा नहीं लगा। अब हम लोग यहाँ पे वहाँ से आने के बाद हम लोग यहाँ पे
नहीं बोले कि लोकल मार्केट हम लोग घूम रहे थे लंच वगैरह करने के बाद, तो बाबू को मैं इनके साथ नहीं छोड़ी, बोले मेरे साथ ही रहने दीजिए। तो मैं देवरानी कुछ कुछ खरीदी वहाँ से, बाहर से गॉगल्स लेना था, सो गॉगल्स लेके नहीं गए, तो गॉगल्स भी परचेस की वो वहाँ से। और जो ये टी शर्ट मैं पहन के रखी है मेरी देवरानी का टी शर्ट है, वही पहनाई, बोले कि दीदी आप जो पहन रहे हैं फिर वो मेरे कैसा नहीं होगा, तो मेरा टी शर्ट आप पहन लीजिए। माता जी तो बुलाइए ले, माता जी का गाइस हम लोग कटरा स्टेशन पे पहुंच गए हैं, अब हम लोग होटल में जा रहे हैं, होटल में जाकर फेस वगैरह होंगे, फेस होने के बाद फिर हम लोग वैष्णो देवी के दर्शन के लिए निकल जाएंगे। तो आप लोग दो दिन से एक ड्रेस मुझे देख रहे होंगे, तो उसके बाद जब वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे तब मिलेंगे। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय।